आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, इन ग्राफ्टिंग स्काइन बिलोंग्स टू प्लांट हैविंग सुपीरियर और डिजायरेबल कैरेक्टर्स, प्लांट हैविंग वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, प्लांट रेजिस्टेंट टू डिजीजेस, या बोथ 2 और 3। स्टूडेंट्स हमसे बोला है कि ग्राफ्टिंग में जो स्काइन होता है, स्काइन कुछ होता है, वो किससे बिलोंग करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्राफ्टिंग की, तो ग्राफ्टिंग एक तरीके का मेथड होता है जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मानते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और उससे न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। तो ग्राफ्टिंग एक तरीके का आर्टिफिशियल मेथड है जिससे हम प्लांट ग्रो करवाते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एक प्लांट का शूट लेते हैं हम और एक प्लांट का रूट लेते हैं, ठीक है। तो शूट, जिसे हम शूट ग्रो करवाएंगे, वो होता है स्काइन, और जिसे हम रूट ग्रो करवाएंगे वो होता है स्टॉक, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग एक तरीके का मेथड होता है जो एक होता है जॉइनिंग टू प्लांट्स टुगेदर परमानेंटली सो दैट दे विल कंटिन्यू ग्रोइंग एज अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। यानी जो हमने शूट सिस्टम के लिए स्काइन लिया है एक प्लांट का और एक प्लांट से स्टॉक लिया है, उन दोनों को हम जोड़ते हैं और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, यानी जिसका शूट भी हो और रूट भी हो। तो सपोज ये दो प्लांट्स हैं, ए एंड बी, ठीक है। अब हमें पता है कि ए में सुपीरियर कैरेक्टर्स हैं, ये अच्छा प्लांट है काफ़ी, जिसकी लीव्स हेल्दी भी हैं, अच्छे से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं, ग्रीन है और फ्रूट्स भी बियर कर सकती हैं। तो हम बोलेंगे कि ए वाला जो प्लांट है, हमें इसका तो शूट सिस्टम, इसका शूट हमें काफ़ी पसंद आ रहा है, यानी काफ़ी डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं इसके, तो हमें इसका शूट चाहिए, ठीक है। और बी से हम देखेंगे तो बी में एज सच कोई ऐसे डिजायरेबल कैरेक्टर्स नहीं है, बट हमें इसका रूट ले सकते हैं हम, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे, जहाँ से रूट लिया है तो वो चीज़ हमारा हो गया स्टॉक, और जहाँ से हमने शूट लिया है इसको हम बोलेंगे स्काइन, ठीक है। तो अब स्काइन और स्टॉक, ये दोनों का जोड़ा जाता है, इनमें कट लगाया जाता है ऐसे कि दोनों का हम ऐसे जोड़ दें, ठीक है। यानी ये वाला जो है ये तो हो जाएगा बी, और ये वाला जो हमने लिया है ये हो जाएगा ए। इसको हम रैप कर देते हैं, किसी टेप से बाइंड कर देते हैं, और फिर जो ये प्लांट ग्रो होता है, पूरा ग्रो जो होता है, वो हम बोलेंगे कि ये ग्राफ्टिंग मेथड से ग्रो हुआ है, ठीक है। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि ग्राफ्टिंग में स्काइन जो होता है वो किससे बिलोंग करता है। तो वो स्काइन मैंने बताया, वो एक प्लांट होता है जो बनाता है शूट सिस्टम, ठीक है। स्काइन हमारा होता है जिससे हमें ऊपर वाला पार्ट बनाना होता है, यानी शूट तैयार करनी होती है हमें प्लांट की। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं, प्लांट हैविंग सुपीरियर और डिजायरेबल कैरेक्टर्स, यस ये हमारा हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम शूट को ऐसे ही, स्काइन को ऐसे ही सिलेक्ट करते हैं कि ऊपर वाला पार्ट्स, यानी जिनकी लीव्स हेल्दी हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकती हैं अच्छे से, और उनके वो फ्रूट बियर कर सकते हैं, उनके ब्यूटीफुल फ्लावर्स हो सकते हैं, तो ये हमारे कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर्स हो जाते हैं। तो हम सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, प्लांट्स हैविंग वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, तो रूट नहीं बनाता ये, स्काइन जो होता है वो बनाता है शूट, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बात करें प्लांट रेजिस्टेंट टू डिसीजेस, ठीक है, तो ये हमारा स्काइन जो होता है उसमें रेजिस्टेंट टू डिसीजेस वाला कोई फीचर एज सच नहीं होता, ठीक है। स्काइन जो होता है उसमें हम डिजायरेबल कैरेक्टर्स देखते हैं, बोथ 2 और 3, 2 तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारा ये भी नहीं होगा। तो हम बोलेंगे कि स्काइन बिलोंग्स टू अ प्लांट हैविंग बोथ सुपीरियर या फिर डिजायरेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स द आंसर इज क्लियर टू यू नाउ, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।